हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए व्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं 4 लाइन पे। हम लोग के मोहल्ला में है 2 लाइन, लेकिन हम लोग बोलते हैं उसको 4 लाइन। सो हम लोग घूमने जा रहे हैं। हमें भोला है और मुदस्सिर है, उसका निक नेम मुदस्सिर का कुर्बान है। तो हम लोग देख सकते हैं हरियाली हम लोग के मोहल्ला में। हम लोग घूमने की तरफ जा रहे हैं 4 लाइन की तरफ। सो गाइस, चलिए दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। सो गाइस, देख सकते हैं ये है मुदस्सिर, उसके आगे है सज्जाद जिसका निक नेम है भोला, गांव में फेमस है। देखिए लड़की की तरह मुदस्सिर हाय हाय कह रहा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलिए दिखाते हैं। हम लोग की तरफ कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, चलिए कीचड़ से बचने के लिए थोड़ा वीडियो को रोकते हैं। सो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं आम के बगान पे, जो मुदस्सिर का आम का बगान है वो देख सकते हैं कुछ दूर पे। हम लोग उसमें जा रहे हैं, कुछ आम टूटा हुआ कुछ आम बचा हुआ, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अगर पक्का मिला तो गाइस जरूर है कि उसको आम के तौर पर हम लोग जरूर खाएंगे। सो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर हरियाली है, मूंग वगैरह है और जंगल वगैरह थोड़ा थोड़ा सा भी है। और बारिश हुआ है तो थोड़ा आड़ी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा गीला वगैरह भी है। देख सकते हैं सारे में पानी भी है, क्योंकि गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है और बारिश वगैरह भी हो रहा है। सो गाइस, चलिए हम आम के पेड़ में और आपको पेड़ का सीन दिखाते हैं। आम के पेड़ में कैसा कैसा आम है, कौन सा आम है और कितना बड़ा है, पक्का है या कच्चा है, सब दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम फाइनली आम के बगीचे में पहुँच चुके हैं और आम के अंदर हम लोग अब जा रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा पानी गाइस यहाँ पे, मतलब आने में दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग आम के बगीचा में आ गए हैं, चारों तरफ आम है। यहाँ पे वीडियो भी शूट अच्छा से नहीं हो रहा है, नीचे पानी है, थोड़ा आगे चलने के बाद दिखाते हैं आपको। सो गाइस, देख सकते हैं आम है आम के बगीचा में, देख सकते हैं कच्चा वगैरह आम है। लेकिन गाइस देख सकते हैं, हम आपको टच करके दिखाते, देखिए एक ही आम रहा, देखिए थोड़ा कच्चा है। यहाँ पे ये है लेकिन फटा है, थोड़ा पक रहा है, देख सकते हैं गाइस ये फटा हुआ है थोड़ा। और बहुत सारा आम है इस पे गाइस, और पेड़ों का टूट चुका है, देख सकते हैं गाइस इस वाले पेड़ पे। देखिए आम काफ़ी ज़्यादा मस्त है गाइस, इधर का सीन लोकेशन यहाँ भी देख सकते हैं। ये एक साथ 3-4 है, देख सकते हैं बड़ा बड़ा आम हो चुका है। इसको तोड़ेंगे तो कार्बाइट में आराम से पका सकते हैं। और गाइस चलिए और दिखाते हैं आगे आम आप लोगों को। सो देख सकते हैं पेड़ जितने भी है सारे पे आम हैं, और कई आम के पेड़ थे जिसपे से आम टूट चुके हैं और कुछ बच्चे में देख सकते हैं गाइस थोड़ा बड़ा पेड़ है। लेकिन इसमें भी मालदे आम है, ये मालदे आम है। आपको गाइस मालूम होगा कि मालदे कितना ज़बरदस्त आम होता है, सब लोग इसको खाने के लिए इच्छुक होते हैं, ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं गाइस, देख सकते हैं। और हम लोग और आगे चलते हैं, मुदस्सिर हमको आगे 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 गाइड कर रहा है और ये भोला बता रहा है ये कौन सा आम है। मुझे उतना आम के बारे में मालूम नहीं गाइस कि कौन सा कौन आम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी जबरदस्त आमे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसको दुधिया, कौन सा आम बोलते हैं इसको दुधिया, बेहतरीन आम होता है। जो देख सकते हैं मुदस्सिर बता रहा है जो इंडिया में सबसे अच्छा आम माना जाता है, दुधिया आम है और ज्यादा फेमस भी है। देख सकते हैं काफी नजदीक नजदीक है आम, ये देखिए छोटा वाला दोनों है, दुधिया इसको आम बोलते है गाइस, काफी जबरदस्त है इसका लोकेशन भी। सो आज हम लोग तीनों आए हुए घूमने के लिए आम के बगीचे में। तो यहाँ पे भोला बता रहा है जितने भी आम का है, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है आम के बारे में। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आम कितना नज़दीक नज़दीक में है, काफ़ी बेहतरीन आम सब गाइस देख सकते हैं। अरे भोला हाथ डाला है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक में आम सब है, काफ़ी बेहतरीन है, बहुत सारा आम है इस पर देख सकते हैं। और आगे भी है, जितना हम आगे जाएंगे चारों तरफ आम है। और आगे का लोकेशन है, चलिए हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ आम है। मगर बगल में भी पेड़ है, वो दूसरा आम है। तो चलिए आगे और दिखाते कौन कौन सा आम है। गाइस देख सकते हैं आम के बगीचे के बगल में खेत वगैरह है, यहाँ पे जनेरा वगैरह और मूंग वगैरह है, हरियाली चारों तरफ। और सिर और मुदस्सिर और भोला का है आगे आम के बगीचा पे, यहाँ पे अगोरिया कर रहे हैं लोग, मतलब यानी कि रात में रहकर यहाँ पे, कि कोई तोड़े नहीं और आम सेफ रहे। वह देख सकते हैं आगे आम मुदस्सिर बताएगा कौन सा आम है, जो एकदम आम है, बहुत बेहतरीन आम है, जो खाने में बहुत मीठा लगता है। देखिए एकदम सटा हुआ आम है चारों तरफ से, एकदम छोटा सा पेड़ है लेकिन देख सकते हैं पूरा लटका हुआ है, काफी ज्यादा इस पे आम यानी कि फला हुआ है, बहुत बेहतरीन आम होता है जो सिपिया है खाने में, लास्ट समय। देख सकते हैं आम कितना ज्यादा, मैं इसके नीचे आ गया हूँ आम। हम लोग यहाँ पे देखिए भोला और मुदस्सिर भी आम के नीचे है बगल में। भोला पूरे तरीके से इसको मालूम है आम के बारे में, हम लोग उतना नॉलेज नहीं है गाइस। तो देख सकते हैं आम ही आम है, अभी ज्यादा नीचे गाइस क्योंकि बहुत ज्यादा आम फला हुआ है। और चलिए मंदिर आपको ले चलते हैं। सो देख सकते हैं कि आम है चारों तरफ पेड़ पे। हम लोग पानी में गाइस टहल रहे, देखिए वीडियो बनाने के लिए घूमने के लिए आए, सोचे ब्लॉग्स बना ले गाइस। देख सकते हैं जहाँ जा रहे हैं आम ही नजर आ रहा है, मुदस्सिर और
बोला हम लोगों को ऐड कर देख सकते हैं। किशनभोग आम है ये, मुदस्सी बता रहा किशनभोग आम है। कैसा होता है आम? ये कच्चे में भी मीठा लगता है और पकने के बाद और मीठा लगता है। आम के आम होता है जो कच्चा में भी मीठा लगता है और पकने के बाद। इससे मालूम चलता है कि अगर आप आम के शौकीन हैं तो आप जैसे देहाती भाषा में हम लोग टिकोला बोलते हैं, तो ये आम का मालूमात करके मतलब कच्चे में आके तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं आप, देख सकते हैं। और बगल बगल में बहुत सारा आम ही आम है, देख सकते हैं। ये भी पेड़ पे आम है। ये कौन सा आम है? ये भी किशनभोग आम है। और आगे वो कौन सा आम है? ये वाला मालदा है। वो मालदे, ये सब मालदा, ये मालदे। तो गाइस देख सकते हैं चारों तरफ बगीचा है, ये मालदे आम है, देख सकते हैं काफी ज्यादा आम ही आम है। ये सब अब टूटने वाला गाइस, क्योंकि आम का सीजन वगैरह आ चुका है। और वो कौन सा आम है सिर? सब मालदे हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग कीचड़ में, भोला भी कीचड़ में चल रहा है, हम लोग भी कीचड़ में चल सकते। देखिए मुदस्सिर भी, अच्छा मुदस्सिर बोल रहा है कि मेरा नाम लिया कर, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग आगे की तरफ आए। गाइस बहुत पीछे छूट गया, देखिए उधर भी बहुत लंबा है आम का बगीचा। उधर हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग इधर से इधर आ गए, क्योंकि इधर भी आम है छोटा वैसा, इधर भी बगीचा है, तो हम लोग इधर चले हैं बड़ा बगीचा को छोड़। गाइस देख सकते हैं मुदस्सिर और भोला बता रहा है कौन सा आम है भाई। सुगिया आम है, हम लोग सुगिया आम बोलते हैं, बहुत बेहतरीन आम होता है। तो गाइस मैं जाने की, देखिए छोटा सा पेड़ आप देख सकते हैं, लेकिन चारों तरफ आम लटका हुआ है, तो काफी बेहतरीन आम है गाइस, देख सकते हैं। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए छोटा सा पेड़ है, लेकिन सुगिया बोला जाता है उसी तरीके से। गाइस इस तरीके से और भी है, तो देखिए यहाँ पे और भी आम है गाइस, देखिए छोटा सा पेड़। ये कौन सा आम है? ये वही केलवा आम है। ये केलवा आम है गाइस, मैं पहली बार सुना हूँ। ज्यादा फला हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा फला हुआ चार्ज, आप देख सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे भोला और मुदस्सिर बता रहा है कि ये केलवा आम है, देख सकते हैं गाइस काफी ज्यादा आम इससे फला हुआ इस पेड़ पे, देख सकते हैं। पत्ता ही पत्ता नजर आपको आ रहा है, लेकिन गाइस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से काफी क्लीन तो नहीं दिख रहा, लेकिन देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे आम है, छोटा पेड़ है लेकिन काफी ज्यादा फला हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन आम है गाइस। और भी देखिये यहाँ पे अभी बताया मुदस्सिर आम के बारे में, तो काफी ज्यादा इसमें भी बेहतरीन है आम, ये भी है तो सबसे लास्ट में फलता है। और भी इधर भी है गाइस देख सकते हैं पेड़, तो हम लोग अभी पूरे में नहीं घूमे, चलिए उसका सीन वगैरह लेंगे और उसको दिखाएंगे। और हमारे पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा हरियाली है और काफी ज्यादा इन्जॉयमेंट है, क्योंकि देख सकते हैं सुहाना मौसम है गाइस, बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। इधर हम लोग टहलने के लिए आए, तो काफी बेहतरीन है गाइस, घूमने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, पानी में हम लोग अपना इन्जॉयमेंट ले रहे हैं। तो चलिए आगे लेते हैं आप आगे का वीडियो। सो देख सकते हैं सीन गाइस यहाँ पे इस तरह का है, आगे हम लोग फोर लाइन के बगल में देख सकते हैं, फोर लाइन आगे। हम लोग गाइस फोर लाइन में घूमने नहीं गए, लेकिन हम लोग ने बता दिया था कि फोर लाइन में घूमने जा रहे हैं, तो गाइस उधर भी घूमेंगे एक तरफ से। लेकिन देख सकते हैं बगीचा आम का यहाँ पे, देख सकते हैं चारों तरफ बगीचा है। चलिए आगे हम सीन दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम लोग आगे बढ़ गए थे और मतलब आम के पेड़ को छोड़ गए, इसलिए हम लोग उसी में आ गए हैं। देख सकते हैं गाइस इस तरीके से चारों तरफ, अभी अंधेरा वगैरह हो चुका है और बारिश का मौसम, इसलिए अंधेरा आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं गाइस ये चारों तरफ आम ही आम है, मालदे हैं। और कौन सा आम है मुदस्सिर? मालदे है, कलकतिया है, मालदे कलकतिया, देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बगीचा है और यहाँ पे चारों तरफ मतलब आम ही आम है और अंदर पानी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना नजदीक आम सब है, देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ आम ही आम नजर आया। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस फोर लाइन पे, तो चलिए अब हम पुरान पे चलते हैं, आप लोगों को चारों तरफ का सीन दिखा दिया, अब हम लोग फोर लाइन पे घूमेंगे। सो आज देख सकते हैं हम लोग पानी में है और पानी में इंजॉयमेंट करके अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ घूमने। सो गाइस हम लोग फाइनली फोर लाइन पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं गाइस फोर लाइन पे हम लोग हैं और हम लोग थोड़ा देर घूमेंगे फोर लाइन पे, उसके बाद अब हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि गाइस लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग थोड़ा टहल लेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे फोर लाइन। तो आज देखिए हम लोग फोर लाइन में घूम रहे हैं, इसी में मेरा तीन दोस्त यानी कि एक मेहमान है गुलफाम के साथ यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं। देखिए भाई थोड़ा चेहरा दिखाओ, तो ये लोग शर्मा रहे अपना चेहरा दिखाने से, बहुत बिजी है। तो हम लोग अब आगे जा रहे घूमेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मुदस्सिर और सजाद आगे चला गया, क्योंकि मैं गुलफाम वगैरह का बात करने लगा था, उसमें दिखाया आपको, देख सकते हैं आगे है गुलफाम वगैरह। तो इसी तरीके से हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली आज हम लोग फोर लाइन पे घूम लिए हैं और घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि मुझे घर से कॉल आया था, तो मेरा दोस्त वगैरह जा रहा है साथ में मेरे, तो जा रहा हूँ सब्जी लाऊंगा, सब्जी लाने के बाद घर पे पहुँचा दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।